हिंदुस्तान न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। विजयदशमी पर जहां पूरे देश में लंकापति रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं उज्जैन में रावण की पूजा अर्चना कर महाआरती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय लंकेश परिषद सालों से रावण की पुण्यतिथि मनाती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय लंकेश परिषद संस्थापक सुनील शर्मा का कहना है कि रावण जैसे महाविद्वान ब्राह्मण का दहन करना किसी शास्त्र में नहीं लिया। रावण परम ज्ञानी, त्रिलोक विजेता था और परक्रमी राजा था। अंतर्राष्ट्रीय लंकेश परिषद रावण को इस तरह दहन करने की कड़ी निंदा करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषियों ने भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को राक्षस बनने का श्राप दिया था, लेकिन जब दोनों के अपने कृत्य पर ऋषियों से क्षमा मांगी, उन्होंने 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने का कहकर श्राप की तीव्रता को कम कर दिया था। इसमें एक शर्त थी कि जय विजय को भगवान विष्णु या उसके किसी अवतार से मरना होगा। आज जो मार्केट में रावण घूम रहे हैं, उनसे हमारे को ये रावण बहुत ज़्यादा पसंद आते। जो नारियों का बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने जो सीता जी को ले जाके जब रखा था अपने लंका में, तो वहाँ पे भी उन्होंने उनके जो सबसे अच्छी दासी थी सेवाभावी, उसको रखा था। और कभी सीता जी को कोई तकलीफ नहीं, उनको गलत नज़र से छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। वो इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं और हमारी ये सम्मान नहीं है। आज जो रावण घूम रहे हैं, उनसे तो लाख दर्जा अच्छे थे हमारे ये रावण। निरंतर शिव भक्त रावण की पूजा अर्चना करते आए हुए हैं और यानी हमें शिव भक्त रावण में एक भी क्या है कि बुराई उसमें एक भी नज़र नहीं आती है। वो बहुत वो अपने आप में एक यानी कि विद्वान व्यक्ति था। 6 पुराण और 4 वेद का ज्ञाता था। उसको हम बिल्कुल इनके दहन करने वालों के बिल्कुल हम वो हैं, ये इनका इसका उसका दहन नहीं होना चाहिए महाराज। वो बहुत यानी कि विद्वान शिव भक्त आदमी था। देखो मैंने एक पुस्तक में क्या है कि वो पढ़ा था कि शिव जी के यानी कि मंत्रों के बाद में यानी कि कुछ आहुतियाँ रावण के नाम से भी दी जाती हैं। तो मैंने उसमें देखा फिर कि शिव जी के खास अपने ये भक्तों में आते हैं महाराज। फिर मैंने उनकी जो है वो उसी वर्ष से जो है पूजा अर्चना ऐसे 8 साल होती है। यानी कि 27 साल हो गए महाराज हमें उनकी पूजा करते करते। सभी यानी कि ये मंडली के लोग आते हैं हमारे पूरा यानी कि शिव तांडव स्त्रोत से अपन यानी इनकी पूजा अर्चना कर रखते हैं और फिर उसके बाद में इनकी महाप्रसादी का आयोजन रखते हैं। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।